जब भी हम एक नया एक्वेरियम के लिए फिश खरीदना चाहते हैं एंड शॉप में जाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि आप ये सकर कैट या क्लीनर फिश या क्रोकोडाइल फिश लेके जाओ, सब खचरा खा जाएगा, एल्गे भी खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा। ये बात कितना तक सही है? ये फिश प्लेकोस, सकर कैट, सकर माउथ, कैट फिश, क्लीनिंग फिश, ये पूप नहीं खाता। एंड हम हॉबीस्ट बिकॉज उसको सही खुराक नहीं देते, पूप खाने में मजबूर करते हैं। ये मजेदार हॉबी है ना। और वीडियो का शुरुआत मैं पूप से कर सकता हूं, मजा आता है। प्लेकोस्टोमस इसका साइंटिफिक नेम है, प्लेकोस बुलाते हैं हम लोग। बहुत सारे वैरायटी के हैं, कॉमनली सकर कैट, सकर माउथ, कैट फिश, क्लीनिंग फिश, क्लीनर कैट, एलिगेटर फिश, ये सब बुलाया जाता है। ज्यादातर आपको एक वैरायटी मिलता है सब एक्वेरियम शॉप्स में, एक आर्मर जैसे कवच होता है उसके बॉडी में, हार्ड होता है एंड इजीली मरता नहीं, एंड ये ज्यादातर सब शॉप्स में मिलता है। एंड ये फिश इंडिया में इलीगल माना जाता है, क्यों देखते रहो बताता हूं। ज्यादातर प्लेकोस सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से आते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। नाउ ये जो क्लीनिंग फिश या कैट फिश इसलिए बोला जाता है बिकॉज उनका जो मुंह है, ओके, वो और उसका मूवमेंट है, मुंह का मूवमेंट है ग्लास पे चिपक के वो जो करते हैं, इसलिए उनको सकर फिश या सकर कैट भी बुलाया जाता है, बट कॉमन नेम है प्लेकोस। इंडिया में, चाइना में, हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी है ये वैरायटी, ज्यादातर हम उसको गारा या चाइनीज एलिगेटर वगैरह बुलाते हैं। बट आज हम बात करेंगे ये जो सेंट्रल और साउथ अमेरिकन फिश प्लेकोस के बारे में, एंड ये डिस्कस करेंगे कि वो खाते क्या है, उनको रखना कैसा है, टैंक कैसा होना चाहिए, ब्रीडिंग होता है कि नहीं, वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। आप आखिर तक देखो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पब्लिक मानती है कि वो सब कचरा खाएंगे, पूप भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, फिल्टर का जरूरत नहीं, अगर वो रखते हैं, ये सब चीजें सही है या गलत, वो भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं। प्लेकोस को रखना इजी है क्या? कहते तो हैं कि बहुत इजी है। हाँ इजी है, बिकॉज अगर उनको सही खुराक मिल जाए, हाइडिंग प्लेस मिल जाए, तो वो अपने आप से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहते हैं। उनको क्या है, एक 6.5 से लेके 7.8 तक पीएच, नो प्रॉब्लम। मतलब रेगुलर ऐसे प्लांटेड एक्वेरियम या फिश ओनली एक्वेरियम या सिक्लिड एक्वेरियम में भी रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट नाउ मैं जनरलाइज बोल रहा हूं, अलग अलग स्पीशीज, इनमें कई सारे स्पीशीज आते हैं, अलग अलग स्पीशीज के लिए रिक्वायरमेंट अलग होता है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होता है, खाना, टेम्परेचर, पीएच वगैरह वगैरह। तो अगर आप कोई एग्जॉटिक स्पीशीज ले रहे हो, तो देन आप देख के उसके बारे में समझ के फिर बाद में लेना। नाउ प्लेकोस में एग्जॉटिक स्पीशीज वेराइटीज है, जो हमें कॉमनली शॉप में मिलता है, जो एलिगेटर प्लेको बोलते हैं या सकर कैटफिश बोलते हैं, जो हार्ड रहता है बॉडी, ओके, ग्रेइश रहता है एंड हमें छोटे छोटे मिल जाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि वो 2 फीट तक ग्रो हो सकते हैं, मॉन्स्टर बन जाते हैं। एंड वो वैरायटी के प्लेकोस आप प्लांटेड एक्वेरियम में नहीं रख सकते, बिकॉज वो प्लांट्स खाते हैं। क्या वो एल्गे खाते हैं? हाँ, बट जनरली प्लेकोस ओमनिवोरस है, ठीक है, जनरली ओमनिवोरस है, मतलब सब कुछ खाते हैं, स्कैवेंजर्स है, ठीक है। जैसे हमारे यू नो अबव वाटर गिद्ध होते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं लोग, डेड एंड डीके मैटर खाते हैं, मरा हुआ मछली, मरा हुआ प्लांट्स, मरा हुआ लीव्स, वुड, स्टोन के ऊपर एल्गे, स्टोन के ऊपर कचरा, ये सब खाते हैं। स्पीशीज के बारे में बात कर रहा था, एंड स्पीशीज में इनमें बहुत सारे यूनिक स्पीशीज आते हैं, कॉमन अपना जो रेगुलरली शॉप में मिलता है सकर कैट, उसके अलावा आजकल बहुत कॉमन है ब्रिसल नोज प्लेको। ब्रिसल नोज प्लेको
प्लांटेड एक्वेरियम्स के लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज प्लांट्स नहीं खाते, कम खाते हैं, बट अगेन उनको अगर खुराक ठीक से नहीं मिला तो प्लांट्स भी खाएंगे। देन जीब्रा प्लेको है, रॉयल प्लेको है, सेल फिन प्लेको है, गोल्डन नगेट प्लेको है, क्लाउन प्लेको है, एंड और भी वेराइटीज है, पेपरमिंट प्लेको है, बहुत सारे वेराइटीज है, बहुत इंटरेस्टिंग वेराइटीज है। नाउ अगेन मैं बता रहा हूं, अगर आप इन एग्जॉटिक वेराइटीज को लेते हैं, ठीक है, तो देन इनका अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, एंड अगर आप इनको सही पौष्टिक खुराक नहीं दे सकते तो इन वेराइटीज को मत लेना, बिकॉज वो ऑल्सो एक्सपेंसिव भी होते हैं। नाउ जनरली फॉर एक्वेरियम्स, ओके, ब्रिसल नोज प्लेको काइंड ऑफ बेस्ट है, ज्यादा बड़ा होता नहीं है, स्मॉलिश रहता है, 6-7 इंच मैक्सिमम, तो आप कोई भी एक्वेरियम में रख सकते हो, गोल्डफिश टैंक में रख सकते हो, सिकलिड टैंक में रख सकते हो, प्लांटेड टैंक में भी रख सकते हो अगर आपका प्लांटेड टैंक बड़ा है तो। सो प्लेकोस के लिए पीएच मैंने बोला 6.5 to 7.8, टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री तक वो आराम से रहते हैं। सो टैंक साइज क्या होना चाहिए उनके लिए, अगर आप ब्रिसल नोज वगैरह ले रहे हो 4 से 6 इंच वाला, तो एक 100 लीटर का टैंक में भी वो आराम से रह जाएंगे, हाइडिंग स्पेसेस होना जरूरी है। नाउ अगर आप कॉमन प्लेको, जो मैंने अभी बोला सकर कैट जो कॉमनली मिलता है दुकान में, अगर वो लेते हैं तो देन आपको बड़ा टैंक होना जरूरी है, ओके, बिकॉज वो इवेंचुअली ओके 1.5-2 फीट तक बढ़ते हैं, एंड अगर स्पेस नहीं मिला तो देन पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नॉट ओनली दैट, दूसरे फिश को भी अफेक्ट करेंगे, जैसे गोल्ड फिश हो, डिस्कस हो, अगर आप कोई प्लेको रखते हैं और आप प्लेको को ठीक से खिलाते नहीं हो तो गोल्ड फिश के बॉडी पे फिन लिप करेंगे, बॉडी पे जो स्लाइम है वो खाएंगे, डिस्कस में भी सेम प्रॉब्लम, बॉडी पे स्लाइम पे अटैक करेंगे, एंड दूसरे फिश को भी अटैक करेंगे, अगर उनके मुंह में फिट होता है फिश तो वो खाएंगे जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेकोस जो है नॉक्टर्नल है, मतलब रात में घूमने वाले जानवर, वो रात में ज्यादा घूमते हैं, दिन में आपको ज्यादातर दिखाई नहीं देगा, उनको लाइट उतना पसंद नहीं है, ये नेचुरल है। नाउ ये रात में घूमने वाले आदत को आप जरा पल्ले बांध के रखो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड क्यों अभी समझाता हूं, देखते रहो। कुदरती ये प्लेकोस जो है रिवर्स, स्ट्रीम्स, यू नो, हर जगह मिल जाते हैं, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, मतलब अमेजॉन रिवर, रियो निग्रो, ये सब रिवर्स में मिलते हैं, छोटे प्लेकोस छोटे स्ट्रीम्स वगैरह में मिलते हैं, थोड़ा बड़े वाले बड़े रिवर, मतलब रिवर अगर फास्ट फ्लोइंग भी है वहां पे भी मिल जाते हैं। ज्यादातर आपको प्लेकोस मिलेंगे अंडर द स्टोन, क्रेविसेस, नुक्स एंड क्रानीज, ये सब जगह घूमते रहेंगे कुछ भी मरा हुआ ढूंढने के लिए, ये उनका हैबिटेट है। तो अगर आप प्लेकोस रखना चाहते हो, अगेन याद रखो कि वो कितना साइज में बढ़ेंगे, दूसरा आपका टैंक उनके लिए सेट है क्या, बिकॉज अगर आपके पास ऐसे वुड और स्टोन वगैरह है तो आप छोटे साइज के प्लेको रख सकते हैं, ठीक है, बट छोटे छोटे एक्वेरियम्स में मत रखो, बिकॉज वो जनरली डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, तो उनके लिए एक डिसेंट साइज का टैंक होना जरूरी है। अगेन 100 लीटर टैंक, मतलब एक 3 फीट मिनिमम विथ लॉट ऑफ स्टोन्स एंड वुड अगर है तो कैटफिश के लिए अच्छा है या प्लेकोस के लिए अच्छा है। नाउ ये खाते क्या है, पूप खाते हैं क्या, मैंने ऑलरेडी कहा है ना कि प्लेकोस जो है ओमनिवोरस है, स्कैवेंजर्स है, मतलब सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, हंट नहीं करेंगे, मतलब मछली है जा रहा है जाके पकड़ के खाना बहुत कम बार होता है, बट अगर मछली मरने वाला है या साइड में जाके बैठ गया स्ट्रेस्ड आउट है तो वो खा जाएंगे। डेड एंड डीके मैटर, एक रिवर में या नदी में बहुत सारे मरे हुए चीज, इंसेक्ट्स, दूसरे जानवर, पेड़ पौधे पत्ते, बहुत कुछ मरता है, वो सब खाएंगे, ये कुदरत के गिद्ध है। एंड अगर आप इनको सिर्फ एल्गे वेफर्स खिलाओगे, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है एल्गे वेफर्स जो मिलता है, एंड इसमें ज्यादातर स्पिरुलिना वगैरह थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा पौष्टिक नहीं होता,
ये इनको वीक कर देता है। बहुत हॉबीज से मैं सुनता हूं मैसेज वगैरह आता है कि हमने ब्यूटीफुल एक एलिगेटर खरीदा, यू नो प्लेको खरीदा, एंड कुछ एक महीने बाद गायब ही हो गया, मतलब दिखता ही नहीं है, अभी मर गया, डिसअपियर्ड। रीजन हॉबीस्ट है। हम ये बात भूल जाते हैं कि वो नॉक्टर्नल है, रात में घूमने वाले जीव, उनको रात में घूमना पसंद है, तो उनको खाना भी रात में मिलना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, चलो सबको खाना खिला रहे, खिला दिया, एक्स्ट्रा जाके नीचे बैठ जाएगा, वो खा लेंगे। ट्रू, बट उनके लिए बस है क्या? बिकॉज सी प्लेको जब छोटा है तो कम खाना लगेगा, वो रहेगा, बढ़ते 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 उसको भी ज्यादा खाना लगेगा ना, ठीक है? सो यू हैव टू इंक्रीज, बिकॉज अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं हर दूसरे दिन एक वेफर डाल देता हूं एंड फिश गायब, तो मतलब फिश को सही खुराक नहीं मिला। प्लेकोस हेल्थी है या नहीं है कैसे पता करते? उनके पेट से, बिकॉज यूजुअली जब वो ग्लास पे आते हैं, ठीक है, आपको नीचे उनका पेट दिखेगा। अगर पेट राउंडेड है, थोड़ा मोटा गोल मटोल, तो देन वो अच्छा खाना खा रहे हैं। अगर वो पूरा स्लेंडर है, थिन है, ठीक है, ऐसा वी शेप है, गोल नहीं है, वी शेप है, तो देन उनको खुराक नहीं मिल रहा है। स्पेशली जब आप नए फिश खरीदते हो तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नए फिश आपके पास आने तक उनको ज्यादा खाना नहीं मिलता है, ना ट्रांसपोर्टेशन में ना दुकान में। आपको सही पौष्टिक खाना देना जरूरी है, एंड ओवरफीड कभी मत करना, थोड़ा थोड़ा देते रहो, एंड रात को लाइट ऑफ होने के बाद देना। लाइट ऑफ होने के बाद अगर जब खाना डालते हो तो एक 15-20 मिनट के बाद आके देखो, वो सब आके खाने पे बैठे रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या साइज में बड़े हुए हैं, क्या हमें खुराक इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, ये सब आप देख सकते हो, समझ सकते हो। हमारे प्लेकोस के लिए, बिकॉज मुझे प्लेकोस बहुत पसंद है, मेरे पास कम से कम एक 20-25 वैरायटीज है जो मैं खुद रखता हूँ, पर्सनल है, पर्सनल कलेक्शन है, एंड यूजुअली मैं वीडियोस वगैरह में डालता नहीं हूँ, बिकॉज मैं मानता हूँ नजर लग जाएगा, बिकॉज कुछ कुछ एक्सपेंसिव भी है एंड एग्जॉटिक वेराइटीज भी है। नाउ इन फिश के लिए मैंने एक खाना तैयार किया है लाइफ आयु का, एल्गे वेफर्स बुलाता हूँ, बट इसमें बहुत कुछ है। ये एल्गे वेफर्स जो है बहुत ही पौष्टिक है। ये हमारा लाइफ आयु का जो एल्गे वेफर्स है ना, बहुत यूनिक है, बिकॉज सी एक तो इसका कलर ही पूरा डार्क है, देखो, प्लस इसमें फिश मील है, श्रिम्प मील है, एंचोवीज है, बहुत सारी यूनिक वैरायटी के एल्गे हैं जिसमें या जिससे आपके प्लेकोस को, एल्गे ईटर्स को, ऑटोसिंक्लस या कोई भी एल्गे ईटर बहुत नरिशमेंट पाएगा, बहुत यू नो हेल्थी बनेगा। एंड इसका शेप ना बहुत यूनिक है, बिकॉज ये हैंडमेड है, मशीन मेड नहीं है। हैंडमेड होने की वजह से हम बहुत सारा यूनिक इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने डेवलप किया अपने फिश के लिए, बॉटल में डाला आपके लिए, एंड अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब आप मत खाओ, आपके फिश के लिए आपको अच्छा लगता है तो जरूर लेना, बिकॉज ये बहुत गुड क्वालिटी का है। ओके, लाइफ आयु का एल्गे वेफर्स अमेजिंग, आप डालते ही आपको समझ में आएगा कि कैसे फिश भाग के आते हैं। एंड ये सिर्फ प्लेकोस नहीं, कॉरिडोरस हो या कोई भी फिश हो, वो सब भाग के आ जाते हैं इसको खाने के लिए, बिकॉज इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्मेल है एंड बहुत टेस्टी भी है। नो, पूप खाते हैं क्या? नहीं, नहीं बोलना फुल्ली सही बात नहीं है, बिकॉज ये फिश पूप इसलिए खाते हैं बिकॉज उनको सही पौष्टिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है टैंक में, तो कुछ तो खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसलिए खाते हैं, बट विलिंगली, ओके, खाना है करके नहीं खाता, बिकॉज उनके लिए कोई उसमें पौष्टिकता मिलता नहीं है। एल्गे खाएंगे, यस, थोड़ा बहुत एल्गे खाएंगे, ग्लास पे क्लीन करेंगे, उनका जो मूवमेंट है वो एल्गे खाते रहते हैं, बट वो बस नहीं है उनके लिए। ओमनिवोरस होने के वजह से उनको बहुत ही एक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिटिव डाइट चाहिए जो आप उनको देंगे। आप फ्रेश फूड भी दे सकते हैं, जैसे कुकुम्बर है, ककड़ी, कुकुम्बर, पालक,
ओके कैरेट, ये सब ब्लांच करके आप उनको दे सकते हैं। या अगर आप ड्राई फूड दे रहे हो तो अच्छा क्वालिटी का देना, एक प्रैक्टिस बनाओ, समझो कि खाने में क्या है, क्यों बना गया है, एंड फिर खिलाओ। सिर्फ बिकॉज वो इंपोर्टेड है, फॉरेन है, फैंसी पैकेट में आता है, उसके पीछे मत पड़ना। सो प्लेकोस नीड गुड क्वालिटी न्यूट्रिटिव बैलेंस्ड डाइट्स। प्लेकोस के टैंकमेट्स क्या है? एक्चुअली कोई भी फिश रख सकते हो, सिंपल। प्लेको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए एंड आप जो फिश रखते हो इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि प्लेको के मुंह में जाए, नहीं तो खा जाएगा। जैसे अगर आप छोटा सा नियॉन टेट्रा रखते हो और बड़ा सा यू नो कॉमन प्लेको या कैटफिश रखते हो तो वो जरूर खाएगा नियॉन टेट्रा को। प्लेकोस एक कम्युनिटी में रह सकता है, कोई भी फिश के साथ रह सकता है, नॉट एन इश्यू। आपको सिंपल दो चीज याद रखना है कि वो रात में निकल के खाना खाते हैं तो आपको रात में फीड करना है एंड पौष्टिक आहार देना है, होलसम मील देना है। नो प्लेकोस ब्रीडिंग करना इजी है क्या? नो प्लेकोस एज अ स्पीशीज, कुछ फिश उसमें अंडा देते हैं, कुछ फिश लाइव बेबीज देते हैं, यह समझना जरूरी है। उनके लिए अगर फूड अच्छा है, पौष्टिक है और वो हेल्थी बढ़ रहे हैं तो ब्रीड करना बहुत इजी है। ज्यादातर प्लेकोस में मेल फीमेल डिस्टिंग्विश करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे सिंपल ब्रिसल नोज प्लेको में ब्रिसल्स या यू नो वो काटे रहते हैं मेल में, फीमेल में नहीं रहता है। फीमेल थोड़ी मोटी तगड़ी रहती है, पेट जरा बड़ा रहता है, मेल थोड़ा और स्लेंडर रहता है, ठीक है। मोस्ट टाइम्स फीमेल मेल से बड़ी भी हो सकती है, साइज में आकार में बड़ी हो सकती है। एंड प्लेकोस ऑल्सो अच्छे से बच्चों को देखभाल भी करते हैं, तो अगर आप प्लेकोस ब्रीड करना चाहते हो तो एक वेल बैलेंस्ड टैंक, उसमें बहुत सारे स्टोन्स, वुड या पीवीसी पाइप्स जहां पे वो जाके छुप सकते हैं, ये सब आप अगर रेडी करोगे, मेल और फीमेल मेच्योर मिलेगा तो, एंड ऑफकोर्स खाना बहुत ही अच्छा होगा, तो वो ब्रीड कर सकते हैं। एंड ब्रीड करना चाहिए, ट्राई करो। ओके, मैंने काफी सारी वैरायटीज का ट्राई किया है, ब्रिसल नोज विपटेल वगैरह मैं काफी सक्सेसफुल भी रहा हूं, कुछ कुछ जैसे जीब्रा वगैरह मेरे को भी सक्सेस नहीं हुआ है, आई हैव नॉट बीन एबल टू ब्रीड देम। ओके, बट एक एक्सपीरियंस है वो, अगर जगह है, टैंक है, मौका है तो ट्राई जरूर कर। ओके, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नाउ कुछ टैंक्स में, एस्टैब्लिश टैंक्स में, बड़े साइज के टैंक्स में वो अपने आप ब्रीड कर जाते हैं, वो टाइम में मुश्किल है बिकॉज दूसरे भी फिश होंगे तो छोटे छोटे बेबी प्लेकोस को दूसरे फिश भी खाएंगे, तो अगर आप उनको बचा सकते हो तो ग्रेट। बेबी प्लेकोस के लिए अगेन ओके एल्गे डेड एंड डीके मैटर, सो करेक्ट खुराक अगर मिल जाता है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आखिर में मैं फिर से दोहराता हूं, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, गुड क्वालिटी खाना खिलाओ। लाइफ आयु का हमने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया है एंड मैं मानता हूं कि अगर आप लाइफ आयु का खाना खिला रहे हो आपके फिश को तो आपका फिश आपको रिजल्ट दिखाएगा, आपके सामने दिखने को मिलेगा कि फिश कितना हेल्थी हो जाता है। अरे ऐसे किसी भी हॉबीज से पूछो जो ऑलरेडी अपने फिश को लाइफ आयु खिलाता हो, बता देगा आपको कि कितना क्वालिटी है। सो पौष्टिक आहार, सही टैंक, सही कंडीशंस एंड खाना रात को देना लाइट ऑफ होने के बाद। और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमन प्लेको इंडिया में इलीगल है बिकॉज ये इन्वेसिव स्पीशीज है। ज्यादातर हॉबीस्ट क्या करते हैं, छोटे से लेके आते हैं, वो बड़ा हो जाता है, टैंक छोटा हो जाता है, ले जाके अपने घर के पास नदी नाले में डाल देते हैं। आज के डेट में गंगा में, बहुत सारे नदियों में ये फिश अपने इंडियन फिश को मार रहे हैं, इंडियन हैबिटेट को मार रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, प्रॉब्लम बन रहे हैं, इन्वेसिव बन रहे हैं। तो प्लीज अगर आप ऐसे कोई एग्जॉटिक स्पीशीज लेके आते हो तो हमारे इंडियन रिवर्स में मत डालो एंड प्लीज कॉमन प्लेको ना खरीदे, ये आपके टैंक्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है। खाता है, कचरा करता है, बड़ा होता है, फिर वापस आप शॉपकीपर को भी नहीं दे सकते हो कि बहुत बड़ा हो गया। सो मैं आशा करता हूं प्लेकोस के बारे में ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो है आपने देखा, सीखा, समझा, जाना, मजा लिया।
बहुत सारा और भी डिटेल है, अगर हम डिटेल में जाए हर एक प्लेको के बारे में तो बहुत समय लगेगा, वो जानकारी आप ले सकते हो, गूगल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, सो सोच समझ के जाके खरीदना, राइट। सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, और भी अगेन इंटरेस्टिंग वीडियोस है जो मरीन एक्वेरियम है, बहुत सारे वैरायटी के वीडियोस बनने वाले हैं, बनते रहेंगे, आप देखते रहना, मजा लेते रहना। ओके, बाय।